बाहुबली 2 की अगर बात करें तो बाहुबली 2 की सुपर सक्सेस के बाद फिल्म से जुड़े गए हैं नए नए किस्से अब ये सुनने में आ रहे हैं। हाल ही में एक ऐसी खबर उड़ी थी कि बाहुबली 2 के लिए राजा मौली की पहली पसंद प्रभास नहीं थे, वो किसी बॉलीवुड स्टार को फिल्म में लेना चाहते थे। वही प्रभास को इस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा फीस मिलने वाली थी। लेकिन क्या आपको पता है कि इन तमाम खबरों पर राजा मौली ने क्या कहा है? आइए आपको सुनवाते हैं। फिल्म बाहुबली 2 को रिलीज हुए 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं, लेकिन फिल्म का क्रेज अब भी दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है। फिल्म के शोज कई जगह आज भी हाउसफुल हैं। इसी बीच फिल्म के बारे में कई रोचक खुलासे भी हुए हैं। खबरों में कहा जा रहा था कि राजा मौली ने बाहुबली का रोल किसी और हीरो के लिए लिखा था, जिसमें उनकी पहली पसंद है बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन। लेकिन खुद राजा मौली ने अपने एक इंटरव्यू में ये खुलासा किया कि उन्होंने बाहुबली का रोल सिर्फ और सिर्फ प्रभास के लिए लिखा था। उन्होंने सालों पहले ही सोच लिया था कि वो प्रभास को ही बाहुबली का रोल देंगे। हालांकि दूसरे किरदारों के बारे में उन्होंने बॉलीवुड स्टार्स के बारे में जरूर सोचा था और प्रभास ने बाहुबली के लिए पूरे 3 साल कोई दूसरी फिल्म नहीं की और अपने काम में समर्पण दिखाया। वाकई प्रभास का समर्पण और मेहनत फिल्म देखकर साफ पता चल रही है। तभी तो फिल्म ने 2 हफ्तों में करीब 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस कर लिया और दुनिया भर के फिल्मी फैंस को पसंद आ रही है। फिल्म बाहुबली ने कई फिल्म मेकर्स को हैरत में डाल दिया है। वैसे आपको बता दें, इस फिल्म के लिए प्रभास को नहीं बल्कि राजा मौली को सबसे ज्यादा मेहनताना मिला है। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो जहाँ प्रभास को फिल्म के लिए सिर्फ 25 करोड़ रुपए मिले, तो वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म निर्देशक SS राजा मौली को बाहुबली 2 के लिए 28 करोड़ रुपए मिले। इतना ही नहीं, फिल्म से होने वाले लाभ में उन्हें हिस्सा भी दिया गया, जो कि बहुत ज्यादा है। फिल्म के अन्य कलाकार कटप्पा AK सत्यराज को 2 करोड़, शिवगामी का किरदार निभाने वाले रमैया कृष्णन को 2.5 करोड़, जबकि तमन्ना भाटिया और अनुष्का शेट्टी को 5-5 करोड़ रुपए दिए गए। वैसे फिल्म को लेकर जितना क्रेज है, उतना ही क्रेज प्रभास को लेकर भी है। उन्हें इन दिनों एक के बाद एक फिल्में ऑफर हो रही हैं और साथ ही विज्ञापन के ऑफर भी दिन रात बरस रहे हैं। सुना तो ये भी है कि प्रभास ने अपनी फीस बढ़ा दी है, अब वो 30 करोड़ रुपए से कम में कोई फिल्म साइन नहीं करने वाले। साथ ही हम आपको बता दें कि हाल ही में उन्हें 18 करोड़ रुपए का एक एड ऑफर हुआ था, लेकिन इसे करने से प्रभास ने साफ इनकार कर दिया। फिलहाल प्रभास फिल्म की रिलीज के बाद लंबी छुट्टी पर अमेरिका में है। अब देखते हैं आने के बाद वो क्या धमाल मचाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।